नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस किचन में, आकांक्षा किचन में। हमेशा की तरह आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं लहसुन पालक आलू की सब्ज़ी, जिसको लहसुनी पालक आलू कहते हैं। और बहुत टेस्टी बनती है। कोई जो आप हल्दी धनिया मिर्चा उसी से बना सकते हैं आप। उसमें गरम मसाला भी नहीं ऐड करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। और एक नया टेस्ट मिलेगा, नया फ्लेवर मिलेगा और एक पालक की सब्जी में नया ट्विस्ट मिलेगा। जो नहीं खाते होंगे वो भी खाने लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से ये रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने 250 ग्राम पालक ली थी, उसके पत्ते अच्छे से क्लीन कर लिए थे और मैंने इसको अच्छे से धो लिया था, क्योंकि पालक में मिट्टी होती है तो धोना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से पानी में 2-4 बार इसको निकाल के धोना चाहिए, और ऐसा नहीं पानी ऐसे रख लिया और पानी में इसको चला दिया इसके ऊपर, और नहीं। बड़े बड़े बर्तन में लीजिए, पानी में निकालिए, तब इसकी पत्तियाँ अच्छे से साफ होती हैं। फिर हम इसको बॉयल होने के लिए रख दें। अच्छा, यहाँ पे एक टिप्स है आप लोग के लिए, इसको ओवर कुक मत करिएगा। क्या है, ज़्यादा आप पका देने से पालक का हरापन खत्म हो जाता है, तो वो जो रहता है ना कलर, वो अच्छा कलर नहीं आता है और पीला पीला सा पकड़ता है। तो कोशिश करिएगा कि पालक को ओवर कुक नहीं हो। मुश्किल से इसको 5 से 7 मिनट तक ही, इसको इतना भी ज़्यादा टाइम मुझे लगता है, क्योंकि बिल्कुल इसको स्टीम्ड करना होता है, क्योंकि पत्तियाँ होती हैं। इतना कुछ खास इसमें होता नहीं कि पकाने में बहुत टाइम लगे। इसको उबाल लेना है। उबालने के बाद इसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद इसका फाइन पेस्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये काम बहुत जल्दी वाला है, फटाफट से करते हैं। हम बर्तन भी वही यूज़ करेंगे, कुछ ऐसा नहीं कि हम 4 बर्तन यूज़ करें, कोई एक्स्ट्रा सर्विस नहीं, कुछ नहीं। तो चलिए फटाफट से पालक को निकाल लेते हैं, उसको ग्राइंड कर लेते हैं। तब तक पालक ग्राइंड हो चुकी है। इसमें फिर अगेन सेम कढ़ाई ली मैंने, उसमें मैंने सरसों का तेल लिया, थोड़ा सा ज़्यादा लिया, क्योंकि अभी मुझे आलू फ्राई करनी है, तो थोड़ा सा इसको लेना है, क्योंकि आलू को डीप फ्राई करना है मुझे। ठीक है, तो तेल जैसे अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें हमने 4 आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको काट लिया था इस तरीके से, और इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो आलू को डीप फ्राई करेंगे तो फ्लेम को मीडियम से स्लो रखिए, हाई फ्लेम पे। ये ऊपर ऊपर जल जाएंगे, अंदर नहीं पकेंगे, क्योंकि हमें 60 से 70% तक कुक भी करना है, तो हमें फ्लेम को मीडियम टू स्लो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आलू फ्राई कर लेते हैं। और इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है ये है कि आप इसमें लहसुन की मात्रा जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा ये अच्छा बनेगा। तो लहसुन की क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा रखिए। तो क्योंकि नाम ही है लहसुनी पालक आलू, तो ऑब्वियस सी बात है, कम से कम इसमें हमने 150 से 200 ग्राम तक लहसुन यूज़ किया इतनी सब्ज़ी बनाने के लिए। और लिटरली सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लहसुन गर्म होता है ना, तो सर्दियों में अपन को गर्म गर्म ही खाना चाहिए, जो चीज़ें शरीर को गर्मी दें इस तरीके से, तो लहसुन बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। हाँ, तो आलू अच्छे से देखिए डीप फ्राई हो चुके हैं, इनको हम तेल से निकाल लेते हैं। तो चले निकाल लेते हैं इनको तेल से। दोस्तों, अगर रेसिपी पसंद आए, भाई कोई कमेंट नहीं कर रहा है, तो अगर रेसिपी पसंद आए तो कमेंट जरूर करिए, अच्छा बुरा जैसा भी हो, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए। उससे क्या होता है, मेरे जो कुकिंग स्टाइल है या जो रेसिपी उसमें जो कमियां रह जाती हैं, आप लोग सजेस्ट करते हैं, तो हम उसको मतलब इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो और चीज़ें अच्छी होकर आती हैं। तो प्लीज़ यार गाइस, कैसे हो आप लोग, फटाफट से कमेंट करिए ना कि रेसिपी कैसी लगी, अच्छी बुरी जो भी लगी है बताइए। आप लोग का कमेंट अच्छा हो या निगेटिव हो, दोनों ही प्यार देते हैं। चलिए आलू निकाल लिए थे, अब इसमें ऐड करते हैं मसाले। मसाले में मैंने तेल वही लिया, हाँ, उसमें मैंने 1 चम्मच जीरा, 1/2 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 8 से 10 काली मिर्च, इन सारी चीज़ों को मैंने तड़के ही ले लिया है। और इसको तब तक हल्का सा हम लोग भून लेंगे जब तक ये इसका तेल में फ्रेगनेंस मसालों का छूट नहीं जाए। ठीक है, जब ये अच्छे से भून जाएंगे, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन। मैंने यहाँ कम से कम 20 से 25 कली को ऐसे बारीक से चॉप करके रखा है, उसको मैंने डाल दिया इसमें। इसको हल्का सा, जब तक ये सोटे हो जाएगा, हल्का सा भुन जाएगा, उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज मैंने 2 लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको मैंने खड़े खड़े में चॉप किया है, देखेंगे कैसे चॉप किया है। और हमें कोई भी ग्रेवी के लिए ना तो लहसुन प्याज का पेस्ट चाहिए, ना कुछ, तो बहुत जल्दी वाली सब्जी बनती है भाई, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होती। बना के देखिएगा पालक आलू, ये लहसुनी पालक आलू। अब प्याज को भी हम अच्छे से भूनने देंगे, क्योंकि प्याज या लहसुन जो भी आप लेते हैं ना, वो अच्छे से भून जाता है, तो सब्ज़ी का ना टेक्सचर बहुत अच्छा निकल के आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें आप मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनें। थोड़ा सा खाना बनाने में, अच्छी अच्छी डिश बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगती है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, थोड़ा सा पेशेंस भी लगता है, ये चीज़ें अच्छी निकल के आती हैं, रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकल के आता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी देखिए जो लहसुन है, वो लहसुन और आपका ये प्याज अभी ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ है, तो उसको थोड़ा सा टाइम और देना पड़ेगा हमें।
ट्राई ज़रूर करिए ये रेसिपी सर्दियों के सीज़न में। वैसे पालक बहुत अच्छी आती है, पत्तियाँ बहुत अच्छी अच्छी रहती हैं, साफ़ सुथरी रहती हैं। बरसात की या गर्मी की पालक थोड़ा सा नहीं अच्छी इतनी रहती जितनी क्वालिटी इस टाइम पालक की अच्छी रहती है। अब इसी में जैसे ही प्याज अच्छे से भुन गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया, अब इसमें मसाले देखिए, अब मैंने सिर्फ हल्दी मिर्च और पाउडर, मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च भी नहीं ऐड करी है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को अच्छे भून लेंगे, बिल्कुल स्लो टू मीडियम फ्लेम ही रखेंगे हम हमेशा की तरह, और इसको भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें जो पालक का हमने पेस्ट रेडी किया है उसको ऐड करेंगे। भाई दोस्तों, आप लोगों का भर भर के प्यार चाहिए हम लोगों को, क्योंकि एक रेसिपी को आप तक पहुंचाने में कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाता है, तो बहुत टाइम टेकिंग होता है। ऐसा नहीं कि ये फ्री टाइम का काम है, इसको भी अपने को एक मतलब डेडिकेटेड टाइम देना पड़ता है, अदरवाइज चीज़ें उतनी अच्छी नहीं मैनेज हो पाती हैं। पालक को मिला दिया है इसमें, जो आलू हमने फ्राई किए थे वो भी हमने ऐड कर दिए हैं। हाँ, अब तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप ग्रेवी के साथ बना सकते हैं, या ग्रेवी विदाउट ग्रेवी, मतलब ग्रेवी थोड़ा सा पानी पानी सी रहे उस तरीके की, लिक्विड ज़्यादा रहे उस तरीके की, या सूखी सूखी सी, और इसको इस तरीके से रख सकते हैं, या तो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो आप इसकी ग्रेवी को गाढ़ा कर देंगे हम इसमें, मैंने इसमें आधा ग्लास पानी मिलाया है, और लेकिन हम इसकी ग्रेवी उतनी ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं रखेंगे। आप चाहे तो इसको इसे हल्का सा इसको पका लीजिए तो उस तरीके का भी अच्छा लगेगा, और ऐसे ही अगर आपको इतना पतला चाहिए तो आप इसको ऐसे ही बॉयल कर लें। तो नमक का इस बार टेस्ट हम मिला लेंगे, और पहले तो पालक में नमक थोड़ा सा कम हमेशा डालें, क्योंकि पालक खुद नमकीन होती है, तो नमक इसमें अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा पड़ गया फिर ये खाई नहीं जा सकती है, तो इसलिए फटाफट से। तो मैं इसको अभी, क्योंकि हमने आलू को 60 से 70% ही पकाया, तो अभी मैं इसे 5 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल इसको मैं पकने रख दूँगी ढक के, तो क्या ही आसानी से। और मुझे इसकी ग्रेवी को सुखाना है उसी में, आलू में कोटिंग करनी है, तो इससे क्या है बहुत अच्छा बन के आएगा, आप देखिएगा। चलिए, जैसा आप देख रहे हैं मैंने इसको 5 से 10 मिनट बाद मैंने इसको खोला, और देखिए मुझे इस तरह की ग्रेवी इसकी अच्छी लगती है, तो मैंने इसको बिल्कुल सुखा दिया है, और लिटरली इतने टेस्टी बनता है, मतलब सिर्फ मसाले जो रेगुलर हैं वही मैंने यूज़ किए हैं, और बहुत मज़ेदार सब्ज़ी बनती है बना के देते। और तड़का इसमें जो लगता है उसको थोड़ा सा आप या घी से लगा दीजिए या बटर से। मैंने 1 चम्मच भर के बटर लिया, और लहसुन, फिर अगेन मैंने लहसुन इसमें खूब सारा डाला है, और एक लाल मिर्च भी मैंने ली है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे, ठीक है। और क्या है, जब भी बटर ऐड करिए तो बटर को पहले बर्तन में जिसमें ऐड करना है उसको हल्का सा गर्म कर लीजिए, उसके बाद उसको मेल्ट कर लीजिए, कि एकदम गर्म उसमें बटर डाली तो जल जाता है काला काला सा, तो वो चीज़ अच्छी नहीं आती। तो इसलिए फिर आप देख रहे हैं बटर वर्क भी अपना कर रहा है, अच्छे से लहसुन भी फ्राई हो गया लेकिन बटर काला नहीं पड़ा, ठीक है। तो अब इसमें मेन मिर्च भी ऐड कर देंगे, और ये तड़का अब हम सब्जी को सर्व करते टाइम लगाएंगे। चलिए सर्व करते हैं गर्मा गर्म, देख रहे हैं जैसी डिलीशियस देखनी है वैसी खाने में। तो आइए दोस्तों, आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।